नमस्कार दोस्तों, आज ईद का त्यौहार है और पूरे विश्व में आज ईद मनाई जा रही है, हर घर में खुशियां मनाई जा रही है। और आज ईद के लिए हम सिराज सर से बात करने आए हैं और जानना चाहते हैं कि ईद कैसे मनाई जाती है। सर, आप क्या बताना चाहेंगे? ईद जो रमजान ईद तो हमारे में दो मायने रखती है, रमजान ईद जिसको ईद उल फित्र बोलते हैं और एक है बकरा ईद जिसको ईद उल जुहा बोलते हैं। आज ईद उल फित्र है। ईद उल फित्र बोले तो 30 दिन के लोग रोजे रखते हैं, रोजे पूरी इबादत करते हैं, उसमें 7 साल से बच्चे से लेके तो पूरे बूढ़े तक के सबको फर्ज रहते रोजे रखना उसमें। तो ये पूरे लोग रोजे रखने के बाद जब 30 दिन कम्प्लीट होते तो अल्लाह ने खुशी का पैगाम दिया है। जैसा बोलते ना, हम एग्जाम देने जा रहे और हम पूरे 12 महीने पढ़ाई कर रहे, बाद में रिजल्ट हमारे को लगता है, हम खुशी से पागल हो जाते, तो वैसे ईद है ये। तो ये खुशी का एक पैगाम है, ईद अमन का पैगाम है, ईद इसलिए मनाई जाती है। ईद कैसे मनाई जाती है, सभी को नहीं पता है कि क्या क्या किया जाता है, तो आप प्लीज बताइए हमें कि कैसे कैसे ईद मनाई थी, आप कैसे मना। रमजान ईद जो बोली जाती है, रमजान ईद बोलो तो ये हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हम लोग को जो तरीका बताया कि आपको जिंदगी जीना कैसा है। सदियों साल पहले, उनके पहले भी कई पैगंबर आए, उनके पहले भी क्या है, कई दुनिया जब इंसान जब पैदा हुआ है तो सब में कबीले सिस्टम चलते थे। कबीले में हर अपने अपने कबीले लोग अपने अपने रोजगार के लिए जिसको बोलते ना लेके जाते थे, और वहीं किसी की डेथ हो गई तो उसको वहीं गाड़ देते थे, उसको वहीं भगवान बना देते थे, ये हमारा भगवान है ऐसा, या ये हमारा पैगंबर है, या जो भी एक्स्ट्रा जेट बताते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जीना सिखाया, तरीका सिखाया, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते रूल रेगुलेशन, नियम कानून का, उन्होंने सारी हिस्ट्री नखून से लेके बाल तक और जमीन से लेके आसमान तक, यही कुरान शरीफ में जिक्र है। कुरान शरीफ में लोग जिक्र बोलते हैं ये लिखा है वो लिखा है, ऐसा नहीं। जिसने भी कुरान शरीफ पढ़ा है, उसको मीनिंग के साथ पढ़ा है, उसको समझा है, तो उसने बराबर उस पर अमल किया है। तो उस चीज़ों में ईद का भी पार्ट दिया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद के बारे में जिक्र किया है। आज साइंस भी बोलता है कि हम 12 महीने खा के पेट में हो जाता है, और उस एक महीना तो बैठ कर रिफ्रेश होना चाहिए, वो एक ईद का जरिया पकड़ लो। 30 दिन में से रोजे, ये आप गलत फिल्मी में मत हो कि मुस्लिम रखते हैं, नॉन मुस्लिम भी ऐसे कई लोग हैं जो रोजे रखते हैं, क्योंकि रोजे रखने से बॉडी पूरी फ्रेश होती है। सुबह जैसा सूरज निकलता है उसके पहले सहरी करना है, सूरज डूबने के समय अफ्तारी करना है। तो ये जितने इसका डिफरेंट है ना, ये हर देश में जैसे जैसे सूर्य पे खेले, ये पूरा सूरज पे खेले, तो ये रोजे के ये भी फायदे हैं, बॉडी भी रिफ्रेश होती है और उससे अपना सेहत के लिए अच्छी बात है। तो ये तो सब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया वो पूरा जिक्र ये सब चीज़ों का है। तो आप ये भी पार्ट समझ सकते हैं, आपके लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा, ये तो हमारे इबादत का पार्ट है। एक मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, आपने पूछे नहीं, हम लोग जैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम जो बात कर रहे हैं, ये जिस सदियों साल पहले यानी 14,000 साल पहले या उसके पहले भी जो उन्होंने जो बताया रूल पूरे नियम बताए, आज भी अगर तुम गौर करो तो एक हमारी सुबह की नमाज होती है, फजर की नमाज होती है, जिसके अंदर में बहुत सवाब है। जैसे बोलते हैं ना, आप ये काम करेंगे तो इतना पुण्य मिलेगा, वो काम करेंगे उतना पुण्य मिलेगा, और एक ईशा की नमाज होती है, तो दोनों के फायदे बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप दोनों का टाइमिंग देखो, अगर आप तरीके से देखेंगे ना, आप बराबर टाइम पे सोएंगे तो टाइम पे उठेंगे। आप बोलते हैं ना, जितने जल्दी सोएगा उठेगा, और इंसान अगर कोई भी गलत हरकतें करके कोई नशा पत्ती करके सो रहा है तो सुबह की नमाज के लिए उठ नहीं सकता। तो उनको सब चीज़ मालूम था कि दुनिया में क्या होने वाला है, यानी दुनिया में कैसे कैसे अयाशें आएंगी, कैसे कैसे तरीके आएंगे। वो हमारी जो इस्लाम धर्म जो बना है वो हर चीज़ पे ध्यान रखते हुए फॉलोअप करते हुए बना है। आप कभी भी कुरान शरीफ को डिटेलिंग देखो, एक एक चीज़ पे ध्यान देते हुए पढ़ो, आपको सब चीज़ समझ में आएंगे कि नमाज के क्या फ़ायदे है, इबादत के क्या फ़ायदे है, रोजे के क्या फ़ायदे है, आपको सब चीज़ समझ में आएंगी। तो ये सब मेहनत करने के बाद जो खुशियाँ मिलती, इसी का नाम ईद है, और आप सबको ईद मुबारक। सर, मौलाना जो होते हैं वो बहुत जोर जोर से बोलते हैं, ऐसे वो सब लोग बताते हैं, बहुत जोर जोर से बातें बताते हैं, जैसे बाहर नमाज करी जाती है, तो वो जो करते हैं उसके लिए आप क्या बोलना चाहोगे कि बहुत जोर से बोलते हैं, ऐसे सब लोग बताते हैं, उसके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? नहीं देखो, मौलाना तो वो तकरीर करते हैं, तकरीर करने का सब किसी का एक अंदाजा अलग होता है, लेकिन इस्लाम में कहीं भी ऊंची आवाज़ का जिक्र नहीं है। कहीं भी ऊंची आवाज़ में हम किसी को कुछ बता नहीं सकते, बोल नहीं सकते, समझा नहीं सकते। कुछ मौलानों की आदत रहती है कि जोर जोर से चिल्ला के, कुछ उनके साथ में लोग जुड़े रहते हो, बोलते हैं ना गोल टोपी पहन लेंगे और खूब आड़ी तेड़ी गाड़ी चलाएंगे, आड़े तेड़े उधम करेंगे, वो इस्लाम को बदनाम करते हैं।
ऐसा हमारे इस्लाम में इस चीज़ का जिक्र नहीं है। इस्लाम में तकरीर का सिस्टम है समझाना, समझाने का मतलब जो आप बोल रहे हो ना तकरीर, वो प्यार से समझा, जितना समझा कि जितना वो बोल रहे हैं हमारे कान में आवाज़ आ रही, वो तरीका सही तरीका हुआ है, उस तरीके से समझाना चाहिए। बाकी कुछ लोगों की आदत रहती है कि मैं जोर जोर से बोल रहा था लोगों को समझ में आएगा, लेकिन वो लोगों को समझ में नहीं आता, लोग सुनते चाय पीते कॉफ़ी पीते चले जाते, ये सिस्टम थोड़ा सा गलत है। आप बोले नमाज के बारे में कि रोडों पर नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, रोडों में नमाज का एक टाइमिंग होता है, एक जुमे की नमाज में ही रोडों पे आता है या ईद की, कि उसमें किसी क्वांटिटी ऑफ लोग ज़्यादा आते हैं, मस्जिदों में जगह नहीं रहती, जगह फुल होती है, तो उसको पकड़ के जमात आगे बढ़ाना पड़ता, तो मजबूरन रोड पे एक 10-15 मिनट का टाइम पीरियड रहता है। अगर सरकार ने जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है, उस बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए उन्होंने जगह अलॉट करना चाहिए कि ये जगह भैया आपको नहीं ये दी, अब शहर रहेगा यहाँ पे वो जगह देंगे यहाँ से 50-100 किलोमीटर दूर, उतनी देर 50 किलोमीटर जाके नमाज नहीं पढ़ सकता, उसको टाइमिंग रहता इसलिए रोडों पे पढ़ता, तो यहाँ पे ये गलत नहीं है। अभी हम तो यह है कि हम लोग और भी इस्लामिक कंट्री में घुमा हूँ देखा हूँ, वहाँ तो जो नमाज का टाइम होता है वहाँ का ऐसा है कि रोडों के ऊपर गाड़ियाँ लग जाती, यानी वो एक 1.5 घंटे का जो टाइम पीरियड रहता वहाँ कोई कुछ नहीं बोलता, 1.5 घंटे के अंदर पार्किंग फ्री रहेंगी, नमाज के लिए तुम्हारे को कहीं भी पढ़ो तो उसके कोई मना ही नहीं है, जबकि वहाँ पे भी जितने मुस्लिम लोग उससे ज़्यादा नॉन मुस्लिम भी रहते हैं, पर किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, एक इंडिया में क्यों ऑब्जेक्शन है ये मेरे समझ के बाहर है। पर अगर जगह प्रॉपर अलाउड की है या उन्होंने बांधकाम की जगह ज़्यादा दी है, 2 फ्लोर और चढ़ाओ 3 फ्लोर है, उनको थोड़ा हेल्प करे, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो ये कहीं ना कहीं इसमें गवर्नमेंट ने जगह देना चाहिए, तो जो रोडों पर पड़ने की तरह है वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। आपने बिल्कुल सही कहा सर, सभी ने इसके लिए हेल्प भी करना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सर, आपने ईद कैसे मनाई, हम सभी जानना चाहते हैं कि आप ईद कैसे मना रहे हो। हमारे घर में हमारा पूरा परिवार, हमारे जहाँ पैदाइश होती है हमारे पापा और मम्मी जहाँ रहते थे, तो हम लोग सब यहाँ पे 6-7 भाइयों का परिवार है, पूरी एक ही जगह जाके खुशियाँ मनाते हैं। ईद एक ऐसी खुशी का मौका होता है कि कोई इंसान सब एक में के टेलीफोन पर लगे रहते, कोई किसी को मिलने को टाइम नहीं रहता, सबके लाइफ बिजी शेड्यूल है, लेकिन ईद के दिन सबके सब एक ही जगह रहते, सब पापा के पास बैठे रहेंगे आके, वो उसकी जो खुशी है, वो जो मम्मी और पापा के पास बैठे भी, हमारी मम्मी तो है नहीं आज, जो पापा है उसकी जो खुशी है वो एक बहुत अलग है। ईद कभी आप ईद की कोई डिटेल देखो, रोजे की डिटेल आप देखो, आप भी रोजा रखना चालू कर दो, रोजे के बहुत फायदे हैं रोजे रखने से। और इस्लाम धर्म जो है उन्होंने नखून से लेके बाल तक और जमीन से लेके आसमान वही जिक्र किया है, नहीं कि अगर हम लोग इस चीज़ को फॉलो अप नहीं करते तो इंसान रिलेशन मेंटेन नहीं करता, कौन इंसान किसके साथ में झगड़ा लड़ रहा है, कौन किसी के साथ में ये कर रहा, बहन को भाई नहीं समझता, बहन भाई बहन को नहीं समझ रही, मियाँ बीवी का क्या रिश्ता है, बहन भाई का क्या रिश्ता है, माँ बाप का क्या रिश्ता है, पड़ोसी का क्या रिश्ता है, उसमें जिक्र है। अने हमारे तो इसमें एक जकात का सिस्टम है, अब जो आप इसकी बात की है, जकात का सिस्टम किसी में नहीं है, जकात का अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपये सेविंग है एक्स्ट्रा पड़ा है तो मुझे 2.5 लाख पहले गरीबों को बांटना है तभी मेरी ईद बनेगी। आजकल लोग खुशी के लिए ईद बना ले, ऐसा नहीं है, पहले आपको पड़ोस में आजू बाजू वालों की मदद करना है, उसके बाद में रिश्तेदारों की मदद करना है, कौन गरीब है उनको देखना है, ये हुक्म हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखे गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जरिया था, यानी दुनिया में कुछ सिखा के गए कि आपको ऐसा 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 चलना है, क्या होने वाला है, कब कयामत आने वाली है, कब क्या होने वाला, सब जिक्र है, वो कयामत के पहले क्या आशा रहेंगे, कौन सी नदी सूखेंगी, कौन सी पहाड़ी गिरेंगी, कौन से समुद्र में क्या होगा, वो कैसे तुम्हारे हर चीज़ का जिक्र दिया यार, वो चीज़ हो रही है, वो दुनिया में आप देख रहे हैं। तो ये इसी का नाम हम लोग बोलते हैं ना रमजान ईद जो है, तो हम इसी तरह से करते हैं, ये इतना ही बोलना चाहूँगा। या यही कह सकते हैं कि मिलजुल कर साथ में रहना यानी ईद मनाना है। ये थे हमारे साथ सिराज सर, और इनसे हमने जाना कि कैसे ईद मनाई जाती है और ईद की खुशियाँ कैसे बांटी जाती है। थैंक यू।